तो हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग? दुआ करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सबसे पहले जय श्री राम। और भाई लोग, अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा मम्मी को लेने, और घर पे कोई आ रखा उससे मिलाऊंगा। वो मेरे व्लॉग में बहुत टाइम बाद आया है। पहली बात तो ये है, तुमने अभी मेरे व्लॉग में ना आता रहता था पहले, तो तुम गेस कर लो कौन होगा क्या होगा। तो दोस्त ही है मेरा, तो चलो पहले पहले मम्मी को लेने चलते हैं, फिर तुम्हें उस लड़के को भी दिखाते हैं जो आ रखा है। तो चलो मिलते हैं। भाई मम्मी आ गई, देख लो भाई उस दोस्त की गाड़ी है, अब तुम समझ ही करोगे कौन है। तो मम्मी भी देख रही है ये किस रॉकी भाई की गाड़ी है। तुम समझ ही सकते हैं कि कौन है। अरे भाई भाई भाई, तो चलो ऊपर चलते हैं, मिलाते हैं भाई उससे। मैं मिला रहा हूँ उसको, आ जाओ भाई आ जाओ। तो गाइज ये है वो बंदा। भाई ऐसा लग रहा कहीं प्राइवेट जॉब से बॉस की गाली गोली खा के बीवी खाना नहीं खिला रही, और तब ऐसे देखो शकल देखो उसके वैसी। और कहो भाई परेशान नहीं आते तुझे पता है क्या? भाई भाई, भाई हमसे ज्यादा परेशान है क्या भाई? घूम अच्छा धूप तो अब खत्म हो गई है धूप के साथ। अरे यार भाई देख इधर से देख, कहा आगे के नंबर प्लेट उड़ा था भाई। ये बता क्या हो रहा था मुझे, मेरी गाड़ी में आगे के नंबर प्लेट दिया इसलिए ले जा रहा है। मैंने उसे अपनी गाड़ी दिखाई। मेरे उसमें भी नहीं है तो भाई कोई नहीं पकड़ता जब तक तेरा भाई साथ है, ठीक है? हाँ फोन भी नहीं उठाऊंगा आखिरी टाइम में, फोन भी नहीं उठाऊंगा। भाई अभी हम जीटी चला रहे हैं 600 सीसी, 650 सीसी जीटी। तो चलते हैं यहाँ से निकलते हैं, अब आपको मिलते हैं सीधा दून हॉस्पिटल में। भाई का काम है। सो गाइस, भाई का काम दून हॉस्पिटल में है, कुछ काम रिपोर्ट लेने जानी है कपिल के। और हम जा रहे हैं पटेल नगर से होते हुए, यहाँ से सीधा लाल पुल से जाएंगे, सीधा 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 पहुँच जाएंगे। हमने गाड़ी लगा दी है और ये रहा दून हॉस्पिटल। ये है जिसको नहीं पता दून हॉस्पिटल, मैं यहाँ आता रहता हूँ मम्मी के साथ। तो अभी हम जाते हैं अपनी रिपोर्ट लेने। अंकल देखो ये गवर्नमेंट जॉब वाला अंकल, कोई लड़की अगर आ रही है गवर्नमेंट जॉब के लिए तो देख लो, वेल फिट बंदा, बॉडी बिल्डर, बस हाइट छोटी है थोड़ी। लेट पहुंच चुका है पर तभी भी देख रहा है, अगर खुला होगा तो अच्छी बात है, बाकी लेट ना हो यार हम लोग बस। फिर पता नहीं कब आएगी बारी। वो वहाँ से ले रहे हैं अपनी रिपोर्ट और मैं बैठ रखा हूँ यहाँ पे आराम से। तो अभी उसका घर भी जाना है वो धर्मपुर वाले। सर्वेश के आलिशान घर पर पहुँच गए, देख सकते हो क्या हो रखा है आजकल इसका हाल घर पर, मतलब उसके रूम पर यहाँ रहता है और कोचिंग करता है अपनी। बाकी बाहर हमने गाड़ी करा रखी है इसकी, कुछ ऐसा सीन है बाहर। और यहाँ पे पानी पुनी भी पीने के लिए नहीं है, तो अब यहाँ से भाई बदतमीजी भी हद होती है। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं, चलते हैं इनसे। ओ तो हमने यारे जूते चले ले जो तुमने बड़े होने के लिए ले रखे हैं, ये वाले पहने। ये देखो गाइस, इसने बड़े दिखने के लिए पहन रखे ताकि इसकी हाइट थोड़ा बड़ी लगे। गाइस यहाँ देखो आप करियो, ओए आप करियो भाई प्लीज एक बार कर रहे हैं यार, भाई कर रहे हैं यार भाई। अब इसने पहले मिक्की माउस वाले जूते, ये देख कितने साल क्या अब देख। भाई लोग इधर आ रहे हैं भाई के बाद जहाँ से हमने काम कराया था, ये इसके आगे की नंबर प्लेट नहीं है, इसके आगे की नंबर प्लेट लगानी है। बाकी वहीं आ रहे हैं जहाँ से हम अपना काम कराते हैं, ये लग चुकी है नंबर प्लेट। और अब निकलते हैं यहाँ से, मेरे को अपना काम भी इधर आ रहा हूँ मैं देखने, क्योंकि बाहर तो कहीं मिला नहीं, क्योंकि ऐसे मिलता नहीं है वो, तो इसलिए अब पीछे जा रहे हैं बजाज के उसमें इधर साइड पीछे, ये रहा सामने। तो जा रहे हैं अंदर साइड पीछे बजाज का वो है जहाँ पे पार्ट्स वगैरह मिलता है, तो चलो अंदर चलते हैं फिर मिलता है। तो गाइस मैं यहाँ आया था, देखो यहाँ सब देख सकते हो तुम लोग, केटीएम वेटीएम का सब कुछ लग रखा है सामान। और मैंने यहाँ सब ले लिया, देखो दो चीज़ लिया, एक मैंने गीवर का वो लिया है सिस्टम पूरा जो बीच में निकल गया था ऋषिकेश जाते टाइम, और एक मैंने वो लिया कूलेंट का बॉक्स। तो मैं बताता हूँ क्या क्या सीन है, कितने कितने का पड़ा है बाहर बताता हूँ, बाहर भी क्या बताना मतलब। ये देखो ये देख लो दो डब्बे हैं, और बाकी मेरे को जो गियर लीवर था वो पड़ा मुझे 521 का, बहुत सही पड़ा बाहर से। तो मेरे को 300-400 का मतलब 200 तो बढ़िया पड़े, मतलब 200 मतलब मैं उसमें फ़ायदे में हूँ। और जो मुझे ये पड़ा कूलेंट बॉक्स वो मुझे बाहर पड़ रहा 400 का, सोचो, और अंदर इतने का पड़ा, मेरे को पता नहीं था वैसे ओरिजिनल का ओरिजिनल है। अब मेरी गाड़ी क्यों नहीं यार बढ़िया पार्ट डिजर्व करती है। अब भाई देखो गाड़ी पर खर्चा किया मैंने, मम्मी ने इस बार पैसे तो दे दिए मेरे को शॉपिंग के लिए, बाकी मैंने इस पर लगा दिए, कोई बात नहीं अपने टोक्यो पे लगाए हैं, कहीं फालतू ढूंढने लगाए हैं। तो चलो चलते हैं और इनको लगाते हैं, फिर मिलते हैं भाई आपसे। किसी को भी अगर अपनी बाइक के लिए मतलब सस्ते पार्ट्स या बजाज के पार्ट्स लेने होंगे, क्योंकि ऐसे नहीं मिलते हैं कभी, तो इधर आना, इधर इधर साइड आना, ये रहा पीछे बजाज का दिख रहा होगा, बजाज और केटीएम का। केटीएम का लेना तो केटीएम का लेना, और बजाज का लेना होगा तो बजाज का ले सकते हो तुम लोग, काफ़ी मतलब भाई बढ़िया रेट पड़ा पता है, बहुत सही रेट पड़ा, मतलब पूरा मुझे पड़ा एक्चुअली 500 600
670 में मुझे ये दोनों चीज़ मिल गए, बाकी बताऊंगा मैं क्या क्या ये दोनों चीज़। तो चलो पहले घर निकलते हैं, फिर मिलते हैं भाई आपको, घर जा रहे हैं। भाई लोग मुझे बताने में बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, मतलब मेरे को आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि मैं गाड़ी के लिए मैंने पार्ट्स लिए और अब मैं उसको लगाऊंगा तो मतलब अच्छा, पहले पता नहीं चलेगा कहाँ कहाँ लग रहा है क्योंकि एक नीचे गियर पर लगेगा और एक साइड में लगेगा बुलेट पे, पर मुझे अपने दिल से बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ यार, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से चेंज भी कराना था ना, तो अब अपनी टोक्यो पे नया चीज़ लग रही है तो अच्छा लग रहा है। तो चलो पहले घर साइड ही चलते हैं, फिर मिलते हैं भाई। तो गाइस आज मैंने पार्ट्स लाए तो इसी खुशी में मैंने इसे खिला रहा हूँ भाई, ये कभी नहीं खिलाता भाई कभी, बाहर कबाब खाए पेट भर गया और घर पे सोचो इतना खाना बना रखा, अब यही करेगा भाई खत्म। कोई नहीं भाई, क्योंकि इसकी डाइट बहुत तगड़ी है, क्योंकि इसकी बॉडी भी तगड़ी है ना भाई, तो इसलिए तो हाय ये दीदी ये देखो छुप क्यों रहे हो, अच्छा अच्छा तो दीदी परसों दीदी लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया था, अब तो भाई मैं घर पहुंच गया, चलो मिलते हैं थोड़ी देर में यार आपको। तो गाइस अभी मेरा टाइम हो चुका है खेलने का और सर्वे सुंदरी है भैया लोगों के साथ, तो मैं तो जा रहा हूं भाई खेलने, क्योंकि कल भी नहीं गया था तो आज तो जाना पड़ेगा, तो मामा पूजूंगा उधर जाके तो फिर खेलते हैं। सो गाइस कैसे हो सब लोग भाई, ये मैंने पकड़ रखा जो मैं आज लाया, शायद मैंने तुम्हें दिखाया होगा शायद नहीं दिखाया, तो मैंने सोचा एक बार दिखा देता हूँ क्योंकि आज मुझे मौका नहीं मिला इसे लगाने का, तो कल लगाऊंगा मैं, कल अच्छे से पूरा काम करा दूंगा मैं गाड़ी का, बाकी थोड़ा और बचता है तो वो मैं जब पैसे आएंगे तब कराऊंगा, बाकी अभी तो भाई पूरे पैसे खत्म हो गए मेरे पास, जितने थे मतलब थोड़ा बहुत मिले थे तो मैंने इसमें ही कर दिए, बाकी तो चलो दिखा देते हैं क्या क्या है। और मैं तो सोच रहा हूँ यार तुम कंपनी से लो, अगर लेते हो कभी ना तो कंपनी से लिया करो, क्योंकि कंपनी में कुछ चीज़ें सस्ती हैं और कुछ चीज़ें महंगी भी है, पर कोई बात नहीं, बट ऐसा है कि कंपनी की तो होगी कम से कम। सबसे पहले यहाँ पे आता है बजाज का लोगो वगैरह, बजाज का बारे में आता है, तो देख सकते हैं ये है तुम्हारा कूलेंट का बॉक्स है, कूलेंट बॉक्स बोल सकते हैं इसको, या कूलेंट कवर जो भी इसमें इसमें डलता है आपका कूलेंट, तो और बाकी कूलेंट ही डलता है ना। तो अब देखते हैं, मेरे तो 18 मॉडल है, देखते हैं उसमें वैसा लग जाएगा, सबका नॉर्मली होता है नेस्का, बस नई वालियों का अलग आ रहा है। तो बाकी ये यहाँ से खुलेगा आपका कूलेंट और इसमें जाएगा, फिर ये धीरे धीरे यहाँ से नीचे से चले जाएगा, तो कुछ ऐसा है ये। और ये मुझे पड़ा है भाई, ये मुझे पड़ा है 140 का, ओनली 140, बहुत अच्छी चीज़ है सच में। और जो मैं दूसरा दिखाऊंगा वो भी देख लो, रुको इसे वापस रख लेता हूँ, चलो इसे वापस भी क्या रखना है, बस रख लेते। ये दूसरा है तुम्हारा गियर सेट भी क्या बोले, लीवर सेट ही बोल सकते हैं इसको, गियर लीवर। तो भाई लोग जिसे नहीं पता ये क्या है, कुछ बहुतों को नहीं पता होगा क्योंकि लड़कियों को आंटियों को बहुतों को नहीं पता होगा, तो ये है कुछ ऐसा, देखो ये है कुछ। तो भाई लोग मेरा बस ये ख़राब था, ये वाला पार्ट ख़राब था, लेकिन इसमें कुछ ऐसा होता है ये पूरा आता है एक साथ, क्योंकि ये अलग अलग नहीं आता भाई, ये पूरा एक साथ आता है। तो अब मेरा मतलब जो मेरा गियर है वो भी नया है, ये गियर है ठीक है, साइड में नीचे पे लगता ही है, तो इससे आप अगर ऐसे करोगे, देखो मैं बताता हूँ काम कैसे करता है, ये है नीचे गियर ना, अगर इसे गियर मारोगे ऐसे तो ये देखो ये हिला इधर और ये यहाँ से ऊपर हो जाएगा, ये गियर नीचे मारोगे ऐसे ऐसे करके ये काम करता है। तो ये मुझे पड़ा पूरा ओरिजिनल, ये बजाज का है, देख सकते हो, रुको हाँ हाँ ठीक है, तो ये बजाज का पड़ा मुझे पूरा 521 कुछ का, इतने कितने का था ये 500 इतने कुछ का पड़ा है यार, मतलब 500 या करीब पड़ गया मुझे, मतलब बहुत अच्छा पड़ा, मतलब बाहर के हिसाब से सोचो, मैंने बाहर ये पता किया ना ये कितने का था ये बाहर, तो उनने बोला मुझे 450 मेरे कितने रुपए बच गए, और अगर मैं इसको ही पता करता तो भाई साहब क्या ही बोलूँ। इसलिए भाई एक बार मैं तो ये बोलता हूँ, सब जगह पूछ लिया करो एक बार, मतलब एक बार तुम वहाँ भी पूछो और जहाँ तुम्हें मतलब सही लग रहा हो, क्योंकि यार देखो इस अपनी गाड़ी में जिसको मतलब पहली बात तो यार जिसको अपनी गाड़ी की पहली मतलब फिकर होती है वो वहीं से लेता है एजेंसी से, भले ही मैं तो बहुत काम मैंने बाहर से भी कराए हैं, लेकिन अब मुझे पता चल गया भाई कहाँ से क्या कराना है, तो अब तो मैं वहीं से जाऊँगा, मैं वहीं से लूँगा काम कराने के लिए, मतलब अगर जो भी कुछ कमी पड़ती है
बट एनएस का चेन सेट तुम्हें मिलेगा वहाँ 2000 का बोर्डर से, और बाहर तुम्हें मिल रहा है चेन एनएस का, नहीं किसी और कंपनी का मिल रहा है, लोगन या रोलन का मिल रहा है तुम्हें, जो मैंने अभी लगाया है खुद ही, मुझे नहीं पता था ऐसा सीन, तो मैंने अभी लगाया है, वो है, वो पड़ा था मुझे कितने का पड़ा था, 1450 तक का पड़ा था मुझे वो, तो आपसे बजाज से लूँगा यार, मैं बजाज में गया था, मैंने दिखाया है पूरी वीडियो में, तो बता देना तुम्हें कैसा लगा और कमेंट में बताना भाई ठीक है प्रोडक्ट, अभी भी तो लगाऊंगा मैं फिर बताऊंगा भाई, देखो अभी मैं कुछ नहीं बता सकता, अभी तो पहले लगाना है फिर बताऊंगा, तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में खाना पीना खा के।